हेलो एवरीवन, वेलकम टू परसेंटाइल क्लासेस। तो फर्स्ट टाइम एपीमेट इंदौर हैज़ गिवन इट्स एक्चुअल पेपर, उनका जो रियल पेपर है उन्हें शेयर किया है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेलकम स्टैप बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या क्वेश्चंस आए थे। सो आज के सेशन में हम रियल एपीमेट 2019 में जो क्वेश्चन आए थे एपीमेट इंदौर में, उसके उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वर्बल में। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट टोटल आपको वर्बल सेक्शन में जितने क्वेश्चन मिलते हैं अराउंड 40 क्वेश्चन आपको टोटल मिलते हैं वर्बल सेक्शन में, ठीक है। और 40 में से लास्ट ईयर जो आरसी का सेक्शन था वो आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट वन, ठीक है। आज के सेशन से आपको समझ में आएगा रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का पेपर हम जब पूरा देखेंगे तो लास्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिले थे लास्ट ईयर 2019 में, देवर वेराइटी वॉज देयर, क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट वर देयर, एंड द यूजुअल जो रिक्वायरमेंट थी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वो थी रीडिंग। अगर आप एक यूजुअल रीडर हैं जो न्यूज़पेपर रीड करता है रेगुलरली, या फिर यू रीड नॉवल्स एंड मोस्ट सूटेबली न्यूज़पेपर, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ पेपर विच इज लाइक यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड इन दैट, ठीक है। तो आज हम उसी चीज को देखने वाले हैं। फर्स्ट सेशन है ये आज का, आपको तीन पार्ट्स में ये पूरे सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आज का सोल्यूशन एपीमेट 2019 वर्बल एंड आरसी सेक्शन पार्ट वन, ओके। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द पेपर, पेपर से शुरू करते हैं अपन। सो दिस इज दी 60th क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है। ये फर्स्ट आरसी था 2019 का एपीमेट के पेपर का, दिस वॉज दी फर्स्ट आरसी, ठीक है। आरसी वॉज नॉट वेरी मच लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, एक मीडियम लेंथ थी आरसी की, ठीक है। वन आरसी कंप्राइज ऑफ 6 क्वेश्चन, ठीक है। टू आरसीज वर देयर और टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको एक आरसी से मिले थे, ठीक है। सो दिस इज द आरसी, लेट्स जस्ट सी दैट आरसी में एक्चुअली दिया क्या है, ठीक है। सपोजिंग हाफ अ डजन और अ डजन मैन वर कास्ट अशोर फ्रॉम अ रेक और इन अनहिबिटेड island and left to their own resources, one of course according to his capacity would be set to one business and one to another, ठीक है। The strongest to dig and to cut wood to build huts for the rest, the most dexterous to make shoe out of bark and coat out of skin, the best educated to look for iron and lead in the rocks and to plan the channel for the irrigation of the field. But though their labors were thus naturally served, that small group of shipwrecked men would understand well enough that the speeding progress was to be made by helping each other, not by opposing each other. They would know that this help could only be properly given so long as they're frank and open in their. I would suggest you all that I'm reading, while you don't read with me, just pause the video right now, read the whole para. I have kept in a way so that you can read it whole by pausing the video. ठीक है, तो एक बार पूरा read कर लो आप लोग, ठीक है, so that when you are solving the question, you are able to understand कि answers कैसे आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो session है ये आपकी understanding के लिए है, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कैसा पेपर आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू मीन वाइल कि किन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, किन क्वेश्चन पर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द होल पैरा, दिस इज अबाउट अ डजन और हाफ डजन पीपल आर लेफ्ट इन अ इनहिबिटेड आइलैंड एंड वहाँ पे उनको दे आर द ऑथर इज टेलिंग यू दैट दे पुट दे टेक्स अप द वर्क विच इज सूटेबल अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन एंड देयर फिजिकल एबिलिटीज, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड वो अपने काम को चूज करते जाएंगे, ठीक है। एंड द ऑथर हैज ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन दैट वॉज टू बी मेड बाई हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है। तो वो लेबर तभी कंप्लीट हो पाएगा जब वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड देर आर अ नंबर ऑफ थिंग विद ईच ले अंडर प्रॉपरली एक्सप्लेन टू द रेस्ट सो दैट एनी अपियरेंस ऑफ सीक्रेसी और सेपरेटनेस इन द एक्शंस of any of them would instantly and justify be looked upon with suspicion by the rest as a sign of some selfish or foolish proceeding on the part of the individual, ठीक है। So the author has also stressed upon that one should not keep secrecy and separateness from others, that because that would be instantly seen as the with suspicion by the rest. If, for instance, the scientific man were found to have gone out at night unknown to the rest to
to alter the sluices, the others would think that in the all probability right thing that he wanted to get the best supply of water in his own field, and if the shoemaker refused to show them where the bark grew which he made the sandals of, they would naturally think that in all probability rightly think that he didn't want them to see how much there was of it, and he meant to ask from them more corn and potatoes in exchange of his sandal than the trouble of making them served. ठीक है, so so secrecy may be seen as suspicion. ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर स्ट्रेस किया है. एंड ऑल्दो ईच मैन वुड हैव अ पोर्शन ऑफ टाइम टू हिमसेल्फ इन विच ही वाज अलाउड टू डू व्हाट ही चूज विदाउट लेट और इंक्वायरी एज लॉन्ग एज ही वाज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस विच ही हैड अंडरटेकन फॉर द कॉमन बेनिफिट, एनी सीक्रेसी ऑन दिस पार्ट वुड बी इमीडिएटली सपोज्ड टू मीन मिसचीफ एंड वुड रिक्वायर टू बी अकाउंटेड फॉर, put an end to, and this all more because whatever the work might be certainly there would be difficulties about it. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ important ये क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा whatever work people are doing there would be difficulties about it which when once they were well explained might be more or less done away with by the help of the rest. So that surely every one of them would advance with his labor not only more happily but more profitably and quickly by having no secrets and frankly bestowing, frankly receiving such help as lay in his way to get or give to get to give. ठीक है, so the three important points are there. First point is that if people are left on an island they will choose according to their physical ability and mental ability, work accordingly. Second, these work are not going to be very easy but they will be easier if they work together with these with the goal, and secrecy is not good. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे स्ट्रेस किया है. दिस इज द फर्स्ट आरती. नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61 आ गए हम. व्हेन द डजन मैन आर कास्ट अवे ऑन एन इमेजिनरी आइलैंड द बेस्ट एजुकेटेड वुड लुक फॉर मेटल्स इन द रॉक बिकॉज. ठीक है, अब ऑप्शंस जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन करना चाहिए. मेटल कैन बी यूज्ड टू मेक वेपन्स, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है. सो एलिमिनेट इज सच एन आइलैंड प्रोबेबली हैज अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज, दिस कैन बी द आंसर. ही मे फाइंड इट बेनिफिट बीनीथ हिम टू डिग और कट मेक द शू. ठीक है, तो मेटल से कट मतलब शू नहीं बनाएंगे, सो ऑब्वियसली ये भी एलिमिनेट हो गया. ए एंड सी एलिमिनेटेड. नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड डी. He is suited for such work. This is what we have so far inferred, that people are given or they are choosing the work according to suitability and their ability. Question number 62. The author states that any appearance of secrecy or separateness would instantly and justly be looked upon with suspicion. From the statement we may infer that. ठीक है, infer that पूछा, मतलब कि इसे आप क्या समझ सकते हो. Now option A. What a secret is not what a separate, इधर उल्टा दिया हुआ है. B, secrecy is not exactly the same as separateness. No, this is also opposite. It is natural to be suspicious to secrecy. This can be the answer, क्योंकि ये infer कर रहे हैं हम. It only takes an instant for a relationship to deteriorate. Now they have moved away from the topic. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. द इंस्टेंस ऑफ शू मेकर हु रिफ्यूजेस टू शो हिज रिसोर्सेज आस्क फॉर मोर कॉर्न एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार्गेन. अनफेयर प्रैक्टिस कैन बी द आंसर बिकॉज दे हैव गिवन दिस एग्जांपल इन दी सीक्रेसी वन. ठीक है, तो उसको मिसचीफ की तरह लोग देखते हैं. सो दैट मे बी बी मे बी द आंसर. द सिस्टम ऑफ बार्टर नहीं, द इंटेंट ऑफ मेक ट्रबल. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे बी या सी हो सकता था. नाउ ट्रबल इज अ बिट मोर टूवर्ड्स लाइक ट्रबल के मीनिंग और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिस मोर गोज टू दी गिवन कंटेंट. ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 64. अकॉर्डिंग टू द ऑथर वट एवर वंस वर्क माइट बी hardship are going to be a part of it. This is completely given in the passage में दिया हुआ है ये. One cannot keep complaining. ठीक है, ये कहीं भी दिया नहीं है. One should expect others to assure of help and advance our labors. ठीक है, ये exactly दिया हुआ है passage में. One must offer help to others in order to receive help. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको दिया हुआ है one must offer help.
ठीक है, मतलब आपको हेल्प देनी ही पड़ेगी अगर आप हेल्प चाहते हो तो। दिस इज नॉट गिवन इन द पैसेज। पैसेज में देखा था, बोला हुआ है कि यू हैव टू हेल्प ईच अदर। दैट डज नॉट मीन कि अगर आपने किसी को हेल्प नहीं की तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, नाउ यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड सी। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि कभी भी अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है दो ऑप्शन में चूज करने में, डोंट गो फॉर, डोंट लेट योर मार्क्स गेट कट ऑन द नेगेटिव मार्किंग। ऑल दो इस क्वेश्चन के लिए अगर अपन बात करें तो हार्डशिप आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वन शुड एक्सपेक्ट अदर्स टू अश्योर ऑफ हेल्प एंड एडवांस आर लेबल्स। ठीक है, ये एक्सपेक्ट जो वर्ड है ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको वीक बना रहा है। ठीक है, वन शुड हेल्प अदर्स अगर होता तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर होता। ठीक है, हमें दूसरों की हेल्प एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अपना काम आगे बढ़ाने में ये इस ऑप्शन को थोड़ा गड़बड़ कर देता है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 65, द ऑथर्स बिलीव दैट फॉर प्रोग्रेस टू हैपन अ टीम शुड कंसिस्ट ऑफ पीपल विद मल्टीपल टैलेंट। नहीं, इसको हटा देते हैं अपन। कॉपरेशन अमंग टीम मेंबर्स इज असेंशियल। ठीक है, ये आंसर हो सकता था। वन मस्ट डील विद दोज हु आर सीक्रेटिव, इसको हटा देते हैं अपन। ट्रांसपेरेंसी अमंग ऑल कंसर्न इज मैंडेटरी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉपरेशन अमंग टीम मेंबर इज असेंशियल। ठीक है, चलिए नाउ आपके पास कुछ ऑप्शन है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऑल्दो मैंने ए को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया था, बट यू पीपल कैन बी कंफ्यूज इन ऑप्शन या टीम शुड कंसिस्ट ऑफ पीपल विद मल्टीपल टैलेंटेड टैलेंट, बिकॉज हमको इस पैरा से यही इन्फ्लुएंस मिल रहा है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, बट ऐसा कहीं भी, दिस इज द वन एग्जाम्पल दैट दे पुट अप। ठीक है, कि अलग अलग टाइप के लोगों को वहां पे कहीं भी ये बात नहीं की कि वो लोग बहुत ही टैलेंटेड है। ठीक है, ठीक, तो वो वाली चीज यहाँ पे बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ए को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। ए से जो इन्फ्लुएंस, ए सेंटेंस से जो मीनिंग मेकआउट हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे पैरा के साथ मैच नहीं कर रहा। कॉपरेशन अमंग टीम मेंबर्स इज एसेंशियल। ठीक है, तो टीम में लोगों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक, तभी द ऑथर्स बिलीव दैट फॉर प्रोग्रेस टू हैपन, प्रोग्रेस होने के लिए। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, बट अगर हम लास्ट पैरा की लास्ट लाइन को कुछ देखेंगे तो हम ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर द वर्क माइट बी, सर्टेनली देयर वुड बी डिफिकल्टी, बट इट विच व्हेन वंस दे वर वेल एक्सप्लेन माइट बी और लेस डन अवे विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट, सो दैट अश्योरली एवरी वन ऑफ दैम वुड एडवाइस। ठीक है, सो ऑन वॉट द ऑथर हैज स्ट्रेस्ड मोर इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ठीक, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया है उसने। यहाँ पे हम एज अ टीम बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं व्हेन टू ऑपोजिट पार्टीज आर ऑल्सो वर्किंग विद द बेनिफिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे वन ऑफ द पर्सन इज सप्लाइंग अ गुड विच इज यूज इन दी अदर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरीके से बात हो रही है, दे आर नॉट अ टीम बट दे आर इंडिविजुअल लिविंग टूगेदर। ठीक है, एक टीम नहीं है वो, ये हमको समझना पड़ेगा। तो आंसर हमारा डी होगा, ट्रांसपेरेंसी अमंग ऑल कंसर्न इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 66, द राइटर मेक्स हाइपोथेसिस विच कैन बी रिलेटेड टू, जो रिलेट हो सकता है किससे। ए ऑप्शन कम्युनिटीज इन जनरल, एन इमेजिनरी आइलैंड रिच विद रिसोर्सेस, सी एन आइडियल वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड पीपल। ठीक है, ये हटा दो। अ प्रिमिटिव एंड अनसोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड, सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड है बिकॉज दे आर मेकिंग कोड्स। ठीक है, सो ऑब्वियसली सोफिस्टिकेटेड है, सो सी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं। कम्युनिटीज इन जनरल हो सकता है या फिर एन इमेजिनरी आइलैंड रिच विथ रिसोर्सेस। ठीक, तो आप इसको किससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे आप हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकल सिनेरियो में वर्क कर रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, ऑप्शंस में से आप थ्री ऑप्शंस को एलिमिनेट ना कर पाए तो आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, टू टू समवेयर गेट अवे विद दी नेगेटिव मार्किंग ना हो इसके लिए आपको इसको छोड़ देना चाहिए, पॉजिटिव मार्क्स ही लेके जाने की कोशिश करिए। दी कम्युनिटीज इन जनरल या फिर एन इमेजिनरी आइलैंड रिच विद रिसोर्सेज, बोथ दी ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, दोनों ही ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। ठीक है, नाउ कम्युनिटीज इन जनरल अगर होता, अब यहाँ पे एक आइडियल आइलैंड तो है बिकॉज दे हैव एक्सपेक्टेड के इस आइलैंड पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं वन ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दे ऑल्सो हैव आयरन, आयरन एंड लीड इन दी रॉक्स। ठीक है, तो
As such, they have the author has given example of an imaginary island उसने दिया है जिसमें बहुत सारे resources हैं, ठीक है? So answer should be B, ठीक है? जहाँ पे हर type के person के पास काम करने के लिए resources available हैं, ठीक है? So answer यहाँ पे B होना चाहिए। Getting to the next para, ठीक है? ये हमारा second para था। And again this para is RC2, second RC, and this RC also consists of 6 questions, ठीक है? Now the perennial debate, I would again suggest you that just pause the passage and read the pause the video and read the passage completely. The perennial debate over gender differences threaten to remain inconclusive. Stereotypes pertaining to male superiority and female submissiveness would be traced to earlier ages, where assigned roles are needed as survival measures. But can we today see a swing away from these stereotypes, or have they established a stranglehold on our perceptions? ठीक है, stranglehold मतलब आप समझते हो एक ऐसी पकड़ which can be जैसे कभी अगर हम WWE या कोई ऐसा fight देखते हैं तो एक ऐसा होल्ड जमा लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं इस टाइप से दैट द सेकंड पर्सन इज नॉट एबल टू गेट अवे, ठीक है? उसको हम स्ट्रैंगल होल्ड बोलते हैं। इन दिस जेंडर्ड वर्ल्ड वी कंटिन्यू टू लिव विद नोशन दैट वन जेंडर डिटरमाइंस वन स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस फ्रॉम टॉयज एंड कलर्स टू करियर चॉइसेस। सो द गर्ल्स चाइल्ड विल बी प्रेजेंटेड विद अ बार्बी डॉल व्हाइल द बॉय चाइल्ड विल रिसीव अ लेगो सेट। Does that mean that our brains are different? This myth has been exploded by a British professor of cognitive neuroimaging. Yeah, her research attempt to establish how these stereotypes mold our ideas of ourselves. She examines how science has been misinterpreted or misused to ask a wrong question. Instead of challenging the status quo, she argues us to move beyond a binary view of people's brain instead to see these as highly individualized, profoundly adaptable, and full of unbounded potential. Her conclusive findings established that no brain differences can be found, therefore solely gender related. ठीक है, तो क्या conclusion है? No brain differences are found which are related to gender. In our world, modern neuroscientists have established no decisive category defining difference between brains of men and women. As a result of these findings, we owe it to ourselves to bump the myth and look at ourselves afresh. We need to recognize that the male and female brain debate is a distraction. Besides being able to inaccuracies being based on inaccuracies, it is possibly harmful too, because it can be used as a hook to justify saying there's no point in girls doing science because they do not have a science brain, or compelling a boy to opt for science because the brains are shaped for that subject. It can also condemn boys for being emotional, as it is seen as feminine trait and most dangerous to all to proclaim that boys, not girls, are meant to be. Okay, so this is the whole para is about male and female gender stereotypes ke upar based hai, and how the modern science does not actually agree with that. Okay, now coming to question number 67, the research of British professor of cognitive neuroimaging has succeeded in establishing that. ठीक है, तो क्या establish हुआ है आपसे वो पूछा जा रहा है. The brain of men and women are alike. Science needs to challenge the status quo. Society must break away from the attempt to stereotyping gender issues. The potential of human brain is not directly linked to gender. ठीक है, now अब कुछ options तो हम eliminate कर सकते हैं. इसमें से हम eliminate कर देंगे option need to challenge the status quo. As society must break away from attempt to stereotype. ठीक है, ये findings नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है establish क्या किया है रिसर्च ने. ठीक है, तो रिसर्च कैसी चीजें establish कर सकता है, या तो ए वाला या फिर डी वाला. The brains of man and women are alike. ठीक है, मतलब ब्रेन एक जैसे होते हैं. Now पैसेज में ये नहीं लिखा हुआ है that brain are similar, but they have said
दैट देर इज नो डिफरेंस विच इज रिलेटेड टू जेंडर. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, इन दी वर्ल्ड हैव आइडेंटिफाइड नो डिसाइसिव कैटेगरी डिफाइनिंग डिफरेंस बिटवीन ब्रेन ऑफ मैन एंड वुमेन. एक से होते हैं ये नहीं बोला है, बट जेंडर बेस्ड कोई डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू जेंडर. ठीक है, मतलब जेंडर से पोटेंशियल का कोई भी रिलेशन नहीं होता. दैट मीन्स आपका आंसर डी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 68, बाय रेफरिंग टू द वर्ल्ड एज जेंडर द राइटर वांट्स टू कन्वे दैट. मतलब जेंडर्ड बोल के वो क्या कन्वे करना चाह रहा है. सो दिस इज द पार्ट वेयर इट इज गिवन एज जेंडर्ड. ठीक है, सो बिफोर दैट दे हैव स्टेटेड दैट एस्टैब्लिश अ स्ट्रैंगल होल्ड ऑन आर परसेप्शन. ठीक है, तो उससे वो क्या बोलना चाह रहा है. लेट्स गो फॉर द ऑप्शंस. By referring to the word as gender, option A, gender differences can be detected right from childhood. Eliminate कर दीजिए. Society continues to be fixated on gender stereotype. अब यहाँ पे एक word fixated use हुआ है जो strangle hold के साथ बड़े अच्छे से match होता है, तो आपका आंसर B हो सकता है. See, once gender is bound to determine one's ability, हटा दो इसको. The debate on gender differences will never be resolved. इसको भी हटा देते हैं. ठीक है, तो आपका आंसर क्लियरली बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं. वन ऑफ द डेंजर्स इन अडॉप्टिंग बाइनरी व्यूज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड ऑप्शंस आर वेरी क्लोज एज वेल. प्रमोट द नोशन ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स. ठीक है, दिस कैन बी द आंसर. नाउ डिटरमाइन एज वेल एज लिमिट एकेडमिक चॉइसेस, ये भी दिया हुआ है. लीड टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द एंड मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ साइंटिफिक डेटा, दिस कैन ऑल्सो बी इन्फर्ड एंड बी यूज टू इंकरेज मेल डोमिनेंस एंड सुपीरियोरिटी. ठीक है, नाउ ऑल द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन इन हियर आर एक्चुअली गिवन इन द पैसेज एंड ऑल आर करेक्ट एज वेल. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आई वुड सजेस्ट कि ये बड़े डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, इनको हमको अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई भी एक दो वर्ड गलत तरीके से जज करके आंसर गलत कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए नेगेटिव मार्किंग को रोकने के लिए. ठीक है, तो लेट्स नाउ हाउ टू सॉल्व या फिर इसका सही आंसर क्या होगा. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बाइनरी व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज दैट इट कैन. ठीक है, मतलब डेंजर क्या है बाइनरी व्यू को ऑप्ट करने से. नाउ व्हाट बाइनरी व्यू वाज. ठीक, यहाँ पे आपको पैसेज में बाइनरी व्यू के बारे में क्या दिया हुआ है. शी आर्ग्यूज दैट अस टू मूव बियॉन्ड बाइनरी व्यू ऑफ पीपल्स ब्रेन इंस्टेड ऑफ सी दीज इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड. ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि हर किसी का ब्रेन अलग है. ठीक है, सो बाइनरी व्यू का मतलब फिर क्या हो गया, इसका ऑपोजिट. ठीक है, बाइनरी में दो ही चीजें होती हैं, जीरो एंड वन. ठीक है, मतलब कि सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं. ठीक, इससे हमें आगे निकल जाए. सो सिर्फ दो ही चॉइसेस समझना, द ब्रेन कैन बी इधर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन. ठीक है, सिर्फ दो ही टाइप की ब्रेन हो सकते हैं, इसको हम बोलेंगे बाइनरी व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ठीक है ना, उसके डेंजर क्या है, इससे क्या होगा अगर हम बाइनरी व्यू ऑप्ट करेंगे तो. ठीक है, सो प्रमोट द नोशन ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन ट्रेट, ये आंसर हो सकता है. ठीक है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनाइन होगा, दो ही टाइप का बाइनरी भी हो सकता है. डिटरमाइन एज वेल एज लिमिट एकेडमिक चॉइसेस, इसको अभी अपन हटा देते हैं. लीड टू डिस्टॉर्शन एंड मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ साइंटिफिक डेटा, इसको हटा देते हैं. बी यूज टू इंकरेज मेल डोमिनेंस एंड सुपीरियोरिटी, दिस इज दी लॉन्ग टर्म. लाइक बाइनरी व्यूज पे अगर चलते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ठीक, बट होता क्या है. ठीक, इसका सबसे पहला डेंजर क्या है, प्रमोट द नोशन ऑफ फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन ट्रेड, क्योंकि ये अपन पैसे से भी समझ सकते हैं. द क्लोजेस्ट वन इज दिस इंडिविजुअलाइज प्रोफाउंडली adaptable and full of unbounded potential. Her conclusive finding established that no brain differences can be found. ठीक है, मतलब कि आप मेल और फीमेल के तरीके से उसको इंटरप्रेट करने लगते हो अगर आप बाइनरी व्यू को ऑप्ट करते हो तो. ठीक है, दैट मीन्स योर आंसर शुड बी ए. ठीक है, नाउ इट वॉज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज था ये. क्वेश्चन नंबर 70, द राइटर ऑफ दिस पैसेज वॉन्ट्स टू एम्फसाइज द नीड टू, किस चीज के नीड को एम्फोसाइज करना चाहते हैं वो. Use new insights provided by scientific researcher for a better understanding of human ability. Continuously debate issues of gender differences to achieve human progress. Question the finding of scientific inquiry into the functioning of human brain. Question नहीं करना है उसको. Accept gender differences as essential to the survival of human species.
तो दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया, सी एंड डी. नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी. यूज न्यू इंसाइट्स प्रोवाइडेड बाय साइंटिफिक रिसर्च फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एबिलिटी. कॉन्टिन्यूसली डिबेट इश्यूज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस टू अचीव ह्यूमन प्रोग्रेस. ठीक है, तो सिर्फ डिबेट करते रहने से ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं होगी. एलिमिनेट कर दें और आपका आंसर ए होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72. दीज टू क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन वोकैब विच इज यूज इन द पैरा. पैरा से कुछ वर्ड फाइंड आउट करके उनका मीनिंग आपसे पूछा हुआ है. द सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ स्ट्रैंगल होल्ड. ठीक है, एंड 72 एंटोनिम ऑफ अनबाउंडेड. ठीक है, स्ट्रैंगल होल्ड, आई टोल्ड यू स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब होता है एक ऐसी पोजिशन वेयर यू आर डिफिकल्ट टू मूव. ठीक है, यानी कि यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समवन. ठीक है, सो एसफिक्सेशन. ठीक है, एसफिक्सेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, डिप्राइव किलिंग समवन बाय डिप्राइविंग ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. कंटेनमेंट, ठीक है, मतलब किसी को पकड़ लेना. ठीक, यानी कि मतलब ठीक है, सो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. सी, प्रोहिबिटिंग एंट्री, एंट्री नहीं देना. ओवरवेलमिंग कंट्रोल, दिस इज द आंसर. ठीक है, मतलब किसी पे पूरी तरीके से जकड़ बना लेना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंगल होल्ड. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 72, द एंटोनिम ऑफ अनबाउंडेड. ठीक है, अनबाउंडेड, बाउंडेड मीन्स लिमिटेड, अनबाउंडेड मीन्स अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड. अब इसका एंटोनिम आपसे पूछा हुआ है, मतलब ऑपोजिट मीनिंग. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, खत्म. ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड आरसी सेक्शन ऑफ आर आईपी मैट 2019 इंदौर रियल पेपर. ठीक है, सो आई होप ये आपको हेल्प करे. आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आपको ये जो पेपर है ये पीडीएफ के फॉर्म में हमारे परसेंटेज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. आई विल बी गिविंग द चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसको देखें, पूरा पीडीएफ देखें, उसको खुद से सॉल्व करें, आंसर्स को मैच करें. आगे आने वाले जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको आने वाले टू पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अपने आंसर्स को मैच करो एंड बी कॉन्फिडेंट. बहुत अच्छा पेपर है ये और इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो. अगर हम अच्छा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं वो ये है दैट यू हैव टू रीड अ लॉट इफ यू वॉन्ट टू इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस. और याद ये रखना है हमें कि हमें एटलीस्ट वर्बल एबिलिटी से 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स स्कोर करने हैं. ठीक है, ये हमारा एम होना चाहिए. अ गुड स्कोर, इफ यू वांट टू स्कोर इन द एप्टीट्यूड पेपर समथिंग लाइक दैट इन विच यू आर नॉट सो मच रिलाइंग ऑन योर पीआई एंड वैट, तो आपका एटलीस्ट 200 का स्कोर तो होना ही चाहिए एप्टीट्यूड में. ठीक है, जिसमें से 100 आपको वर्बल एबिलिटी से ही स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि इसको स्कोर करना कंपैरेटिवली ईजी होता है 40 मिनट्स के अंदर. ठीक है एवरीवन, सो बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट पार्ट में वो मिलेंगे, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. डो बार और बचे हुए हैं. एवरीवन बेस्ट ऑफ लक.